यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के शामली ज़िला में थाना भवन कैंट में। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि यही से थाना 10 किलोमीटर दूर मेरा गाँव पड़ता है। तो मैं अपने गाँव में दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पर आया था। तो जब भी मैं दिवाली के उपलक्ष्य में अपने गाँव आता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक हाईवे देखा बनते हुए कि कहाँ के लिए हाईवे बनना है। तो मैंने थोड़ा बहुत गांव वालों से इसकी जानकारी ली है। तो गांव वासियों ने बताया कि ये अम्बाला से सीधा मेरठ और शामली के लिए हाईवे बनना है। जो यूपी से पंजाब जाते हैं उनके लिए यहाँ से जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो गाइस, आप लोग को मैं इस हाईवे की थोड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं। तो गाइस, चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ इस अम्बाला से मेरठ हाईवे की थोड़ी अपडेट। सो गाइस, आप ये फ्रंट कैमरे से देख सकते हैं और ये जो हाईवे निकल रहा है, मैं आप लोग को बताता हूँ, ये इधर से शामली से सीधा मेरठ, और आप लोग को बताता हूँ कि ये हाईवे बनाया जा रहा है आपका गंगो यमुना नगर, और जैसे नकुड़ गांव पड़ता है एक, अगर आप लोग जानते हो कि यूपी से अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां से इस हाईवे को निकाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। और इधर ये पूरा शामली क्षेत्र पड़ता है थाना भवन कैंट, यहां से और सीधा मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिए। सो गाइस, ये इधर से आते हैं थाना भवन से, और इधर मस्तगढ़ नोजल नोजली और आपका रसीदगढ़, यहाँ से जाया जाता है। तो ये बन रहा है हाईवे, इधर ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बाग है और इस बाग के बीचों बीच से इस हाईवे को निकाला जा रहा है। आगे रेल लाइन पड़ती है तो इस रेल लाइन के ऊपर से एक फ्लाईओवर निकाला जा रहा है। काफ़ी तैयारी शुरू कर दी है इस हाईवे को बनाने में, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी बड़े बड़े पिलर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये अब पंजाब जाना और भी आसान हो जाएगा जब ये हाईवे बन जाएगा, और ये अम्बाला टू शामली और मेरठ के लिए हाईवे बन रहा है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा ही हाईवे बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा कुछ समय में। काफ़ी समय इस हाईवे में भी लगेगा क्योंकि अभी इस हाईवे की शुरुआत की गई है, ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर डाल दिया है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये भी एक दिल्ली देहरादून हाईवे की तर्ज पर बनेगा, इसको ग्रीन कॉरिडोर हाईवे बनाया जाएगा, यानी कि ये पूरा खेतों खेतों के बीच में हाईवे बन रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी आगे तक इसमें अभी काम शुरू किया गया, जब नई अपडेट होगी मैं इस हाईवे की ज़रूर दूंगा आप लोग को। सो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इस वक्त अपने गांव में आया था, मेरा गांव पड़ता है थाना भवन जिला शामली में, और इस साइड में मेरा गांव पड़ता है यहाँ से, ये रास्ता देख रहे हैं आप, यहाँ से गाँव मेरा कम से कम 5 किलोमीटर दूर का एरिया है। और मैं अभी थाना भवन से आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग को इस हाईवे की भी थोड़ी बहुत अपडेट देता हूं, मैं थोड़ा और आगे चलकर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सो गाइस, ये हाईवे जैसे कि मैंने आप लोग हाईवे जो बन रहा है आप लोगों को मैं बताता हूं, ये बन रहा है अम्बाला टू शामली मेरठ और मुजफ्फरनगर, और ये इधर से इस वक्त जिस क्षेत्र में ये हाईवे बन रहा है ये शामली क्षेत्र में बन रहा है थाना भवन कैंट। और गाइस, बहुत ही जल्दी इस हाईवे को भी यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा, ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर अभी तैयारी चली रही है इसकी, और ये भी एक हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब जाना काफ़ी आसान हो जाएगा, जो लोग काफ़ी दूर दूर से घूमकर जाते हैं पंजाब, तो उनके लिए ये रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये यूपी वालों के लिए काफ़ी आसान रास्ता हो जाएगा, और काफ़ी कम समय में वो पंजाब यहाँ से जा सकते हैं, उन लोगों को लंबा घूमकर नहीं जाना पड़ेगा जब ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं पूरा दूर दराज तक इस तरीके से ये हाईवे तैयार किया जा रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, ये देख सकते हैं। और ये आसपास आप देख रहे हैं लोगों के खेत हैं, उस साइड में भी खेत है और इधर भी खेत है, यहाँ पर सामने एक ये काफ़ी बड़ा बाग पड़ता है, और इस बाग के जस्ट पास में रेलवे लाइन है, और इस रेलवे लाइन के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी की जा रही है, मैं भी थोड़ा आगे चलकर आप लोग को दिखाता हूँ। मैं अपनी सती पे गया था दिवाली के समय में, तो ये जो इधर पड़ता है यमुनानगर गंगो और नकुड़ और आपका तीतरो, इस साइड में ये हाईवे थोड़ा बहुत बनकर तैयार हो गया क्योंकि मैंने देखा था, तो
तो मैंने आप लोग को बताया है। अगर आप लोग ये वीडियो यूपी से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस हाईवे के बनने से क्या यूपी से पंजाब जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो गाइस, अगर आसान हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा और आगे चलकर आप लोग को दिखा देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी मिट्टी यहाँ पर लाकर डाल दी गई है और इस हाईवे की ऊंचाई 10 से 15 फुट ऊपर रखी जाएगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक रोड है, ये इधर गांव के लिए जा रही है। इधर गांव पड़ता है नोजल रशीदगढ़ और काफ़ी गांव पड़ते हैं, तो उन गांव के लिए ये दिक्कत बन जाएगी अगर इस यहाँ पर एक फ्लाईओवर या पुल नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये काफ़ी बड़ी मशीन लगी है यहाँ पर इस वक्त। थोड़ा और आगे चलकर आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो गाइस, इस तरीके से इस बड़े आम के बाग के बीच से इस हाईवे को निकाला जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आम का बाग है ये। और आगे चलकर और दिखाता हूँ मैं आप लोग को, आगे रेल लाइन पड़ जाएगी, वहाँ की भी अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सो गाइस, ये है रेल लाइन और ये इधर से सीधा सहारनपुर के लिए जाती है और सहारनपुर से इधर से ये सीधा दिल्ली के लिए और शामली के लिए निकल जाती है यहाँ से, और जैसे कि बागपत के लिए। और ये माला टू मेरठ हाईवे, ये देख सकते, इस रेल लाइन के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी चल रही है ताकि नीचे की जो ट्रेन है आसानी से चले और ऊपर का ट्रैफिक भी आरामदायक चलता रहे, तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये यहाँ से फ्लाईओवर को थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा 10 से 15 फुट। सो गाइस, इस तरीके से इसको पास किया जाएगा यहाँ से, और ये बाग देख सकते हैं, इस बाग के अंदर से हाईवे को निकाला जा रहा है। सो गाइस, अगर आप लोग को ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए, ताकि मैं आप लोग के लिए नई से नई अपडेट अक्सर लेकर आता रहूं। सो गाइस, चलता हूं, फिर मिलूंगा मैं आप लोग को एक और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।